Hello everyone, I am your Hindi teacher and today we will start one new chapter which is of class 7th and the book name is Madhur and the chapter name is Ganga. Chapter number is 4th. अब जो गंगा, गंगा क्या है? एक पवित्र नदी. भारतीय संस्कृति में गंगा नदी का विशेष महत्व है. इसे मोक्ष प्रदायिनी व पतित पावनी गंगा कहकर भी पुकारा जाता है. मतलब जब हम इसे जन्म मरण इसके गंगा नदी में स्नान करने से जन्म मरण से छुटकारा मिल जाता है. गंगा नदी में स्नान करने से हमारा तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं. प्रस्तुत कविता में कवि ने गंगा की महिमा का गुणगान किया. मतलब गंगा की जो महानता है उसके बारे में कवि ने हमें बताया है. अमर हिमालय की गोदी से धरती पर लहराती गंगा, कल कल मैदानों में बहकर सोना सा उपजाती गंगा. अब जो गंगा नदी है वहाँ कहाँ से निकलती है? हिमालय पर्वत की गोद से धरती पर आती है. हिमालय पर्वत की गोद से ये देखिए गंगा पहाड़ों से निकलती हुई धरती तक पहुँचती है. कलकल मैदानों में बहकर, कलकल होता है एक प्रकार की मीठी ध्वनि से बहती हुई, वो मैदानों में मैदानों की तरफ आती है. और धरती वही गंगा का पानी जो हमारे खेतों को मिलता है, हमारी जो भूमि उपजाऊ हो जाती है. सोना सा उपजाती गंगा, सोना हमारी जो फसलें हैं वो गंगा नदी के पानी से और भी खिल उठती हैं, इसीलिए उन्हें सोना कहा जाता है. प्यास बुझा प्यासे खेतों की पावन नदी कहती गंगा, जो भी आकर मिलता इसमें पावन उसे बनाती गंगा. प्यास बुझा, अब प्यास मतलब जो खेतों जब हम जमीन में कोई फसल उगाते हैं तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होती है. वो हम पानी कहाँ से प्राप्त करते हैं? नदियों से. जो बारिश का पानी है जो फसलों को अच्छा लहराता हुआ बना देता है, उसी प्रकार कवि कहता है कि प्यास बुझा प्यासे. अब खेतों में पानी की ज़रूरत होती है तो पानी किससे मिलता है? गंगा नदी से. पावन नदी कहाती गंगा, पावन होता है पवित्र नदी कहाती गंगा, जो भी आकर, अब जो भी इस गंगा में आकर मिलता है वो भी पवित्र हो जाता है. कहने का भाव कि हमारे जो तन और मन है जो अपवित्र हो जाते हैं गंगा नदी में नहाने से वो पवित्र हो जाते हैं. जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती अपने कदम बढ़ाती गंगा, बहकर शंभु जटाओं से भागीरथी कहाती गंगा. अब जैसे जैसे बर्फ़ पिघलती है, अब बर्फ़ को हम बाहर रख दें तो उसका पिघलना शुरू हो जाता है. जैसे जैसे वो पिघलती है उसी प्रकार शिव मतलब अपने कदम बढ़ाती है, उसी प्रकार अपने कदमों को बढ़ाती हुई गंगा आगे बढ़ती है. गंगा कहाँ से निकलती है? बहकर शंभु जटाओं से. शंभु श्री कृष्ण की, श्री भगवान शिव की जटाओं से निकलती हुई गंगा, जटाओं से निकलती हुई गंगा भागीरथी कहाती गंगा. भागीरथी होते गंगा का मुख्य नाम है, भागीरथी कहा जाता है इसे. ठीक है. पीला अमृत सा पानी अपना सबकी प्यास मिटाती गंगा, भेदभाव का भेद मिटाकर सबको पास बुलाती गंगा. अब जो गंगा का पानी है वो अमृत होता है. पीला अमृत सा पानी अपना सबकी प्यास, अपना गंगा नदी का पानी पीकर सबकी जो प्यास मिट जाती है. और गंगा नदी में जो लोग स्नान करते हैं वहाँ पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाता. कोई छोटी जाति से है, कोई रंग का काला है, कोई गोरा है, इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता. सभी लोग इकट्ठा ही गंगा नदी में स्नान करते हैं. पावनता का विरल समागम पुण्य प्रभा कहलाती गंगा, नाम अमर वेदों में इसका हमको मोक्ष दिलाती गंगा. अब पावनता का विरल समागम, पावनता पवित्रता का सबसे बड़ा समागम कहाँ होता है? नदी के किनारे. मतलब ये नदी है जो पवित्र नदी है और वो क्या करती है? पुण्य प्रभा दोबारा प्रकाश की किरण कहलाती है. मतलब गंगा नदी में नहाने से जो इंसान के सभी तरह के पाप मिट जाते हैं. नाम अमर वेदों में, अब बड़े बड़े ग्रंथों में, धार्मिक ग्रंथों में भी गंगा नदी का जिक्र किया गया है कि इसका पानी कितना निर्मल है, कितना साफ है. हर मतलब कि लोगों की प्यास भी बुझाता है और लोगों को पवित्र भी करता है. हमको मोक्ष दिलाता है, जो गंगा नदी में नहाता है उसके जन्म मरण से उसे छुटकारा मिल जाता है, उसकी मतलब आत्मा भी पवित्र हो जाती है. धन्यवाद.